औकात नहीं है इनकी जो हमारे संविधान को छेड़छाड़ में कर दें। बीजेपी गवर्नमेंट जो सोच के बैठी है 400 पार 500 पार, मैं कह रहा हूँ 500 भी हो जाओ पार, 400 छोड़ो 500 हो जाओ, अब 500 को बैनर लगा दो जब तक ईवीएम आपके साथ। अगर बीजेपी गवर्नमेंट निकम्मी सरकार में दम है तो मैं करंट जाटअप खुला चुनौती दे रहा हूँ, बैलेट पेपर से इलेक्शन कराओ, जीत के दिखा दी तो मैं अपनी गर्दन कटवाऊंगा। मैं ईवीएम को तोड़ेंगे, याद रखे तोड़ने काम करेंगे। जो इन्होंने वादे करे थे महंगाई बेरोजगारी वो काम पर करना नहीं, इनको इनको धर्म की बात करना है, धर्म की राजनीति करना है, लेकिन राम मंदिर के आधार पर आप राजनीति ना करें, राजनीति करना है तो धर्म से हटके करें। क्या दिया इन्होंने 10 साल के अंदर, झुमले झुमले झुमलेबाजी, कोई विकास नहीं दे, विकास के नाम पर विनाश होता जा रहा है। आप जनता का नौकर हो, नौकर हिसाब से काम करो, मालिक बनने की कोशिश ना करे, सरकार से इतना चाह रहा आप इस्तीफा दो, निकल जाओ यहाँ से, बीजेपी सरकार को आउट कर देंगे। नमस्कार, मैं नूरजहां और आप देख रहे हैं जनित आवाज। ईवीएम को लेकर पूरा एक जन आंदोलन जो है बन चुका है और लगातार लोग जो है ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और आज हम मौजूद है कश्मीरी गेट पर, लगातार हम आपको तस्वीरें यहां पे आप देखिए किस तरीके से जो है ये ईवीएम की पूरी चिता बना के जलाई गई है और इसको फूंक दिया गया है। और लोगों में जो चीजें आपको आक्रोश देखने को मिल रहा होगा कि लोग जो है ईवीएम के एकदम खिलाफ हो चुके हैं और चिता जलाने में मजबूर हो गए हैं, क्योंकि जो सरकार है इनके इनके लिए काम ही नहीं करती और लगातार कह रहे हैं कि अगर ईवीएम से ही चुनाव होंगे तो यही भाजपा सरकार ही आएगी। और यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं। चिता जलाने पे ईवीएम के क्यों मजबूर हो गए हैं आप लोग? मजबूर इसलिए हो रहे हैं, देखो बोर्ड हमारी बेटी है, बहन बेटी है हमारी, तो हम अपने बोर्ड का हरण नहीं होने देंगे। जो आज हमारे बोर्ड की चोरी हो रही है ना, चोरी हो रही है, तो उसको रोकने के लिए हमें ईवीएम का ध्यान करना पड़ा मजबूरन, नहीं तो कोई नहीं चाहता ऐसे ऐसे काम करना, क्यों कहेगा, क्यों करेगा। तो ईवीएम दहन करने का कारण क्या था आपका? ईवीएम दहन करने का कारण ईवीएम हैक होती है। हाँ। और ईवीएम से हमें वोट नहीं कराना। हाँ। हमें इलेक्शन नहीं होना चाहता मांगते, ठीक है। हाँ। तो इसलिए हमने ईवीएम का ध्यान करा। और ये आखिरी बात, बीजेपी गवर्नमेंट जो सोच के बैठी है 400 पार 500 पार, मैं कह रहा हूँ 500 भी हो जाओ पार, 400 छोड़ो 500 हो जाओगे, आप 500 को बैनर लगा दो जब तक ईवीएम आपके साथ, ईवीएम से इलेक्शन होंगे ना तो आप 500 पार हो जाओगे। अगर बीजेपी गवर्नमेंट निकम्मी सरकार में दम है तो मैं करंट जाटअप खुला चुनौती दे रहा हूँ। हाँ। बैलेट पेपर से इलेक्शन कराओ, जीत के दिखा दी तो मैं अपनी गर्दन कटवाऊंगा। तो ईवीएम फूकने से हो जाएगा ईवीएम बंद? बिल्कुल बंद होगा, नहीं होगा ना बंद, तो इलेक्शन का टाइम आ रहा है ना, बोर्ड। हाँ। बोर्ड बूथ पे जाएंगे हम भीम सैनिक, बोर्ड को बोर्ड बूथ पे ईवीएम को तोड़ेंगे, याद रखे। हाँ। तोड़ने का काम करेंगे हमारे भीम सैनिक। हाँ। याद रखे, खुद ही उग्र हो रहे हैं, इस तरीके से बोल रहे हैं, कुछ भी हो जे हम संविधान का उल्लंघन कर सकते हैं तो हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान की रक्षा करने वाले मोदी जी ही हैं सबसे बड़े, संविधान का उल्लंघन करने वाले ही मोदी जी हैं। हाँ। संविधान के हिसाब से बताइए, काम करा हो तो मेरे को बताइए। हाँ। आर्टिकल 51 का उल्लंघन अभी इन्होंने करा। हाँ। करा ना, क्या कब करा था पता है आपको? आर्टिकल 51 में क्या लिखा है, क्या पाखंडवाद नहीं फैला सकते, अंधविश्वास नहीं फैला सकते। अभी इन्होंने राम मंदिर की ओपनिंग पे 22 जनवरी को क्या करा, बड़े बड़े बैनर लगवा दिए, प्राण प्रतिष्ठा, उसका मतलब पता है क्या होता है आपको? मैं बताऊंगा उसका मतलब होता है, मूर्ति के अंदर प्राण डाले जाएंगे। अब बताओ मूर्ति के अंदर कब से प्राण डाले, ऐसा कोई हुआ? प्राण प्रतिष्ठा तो की ही जाती है ना, जब मूर्ति कोई बनती है तो प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है, वो तो रीति रिवाज में आता है। रीति रिवाज में आते हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, इंसानों के अंदर डालो प्राण, इंसान मर गया तो उसके अंदर डालो प्राण, मैं आपकी सलाम, मैं आपको सलाम करूंगा, ऐसा अंधविश्वास पाखंडवाद नहीं। हजारों लोग, लाखों लोग वहां जा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा देखने के लिए, आपको इतनी तकलीफ हो रही है? मेरे को तकलीफ नहीं हो रही, मेरे को ये तकलीफ हो रही है जो इन्होंने वादे करे थे महंगाई बेरोजगारी। हाँ। वो काम पर करना नहीं, इनको इनको धर्म की बात करना है, धर्म की राजनीति करना है। हाँ। जो जनता सरकार चुनती है नेता को किस लिए चुनती है, कि हमारा विकास हो, हमारे देश का, हमारे समाज का विकास हो। आज देश में विकास पता ही कहाँ है, ये कहता है 10 साल का होगा विकास, मैं कह रहा हूँ 10 साल का विकास दिखते ही नहीं मेरे को, कहाँ 10 साल का विकास इनका। महंगाई बेरोजगारी पहले जन्म पे आ गई, भुखमरी में 112 नंबर पे आ गए देश अपना, आगे गया नहीं? हाँ। बताइए इसको कहते हैं विकास? हाँ। इसको बोलते हैं कि विकास? वो कह रहे हैं कि गरीबी सिर्फ 5% रह गई है बस। नहीं, गरीबी 55% हो गई है। हाँ। याद रखे। हाँ। ये कहते ना 80 करोड़ राशन, 80 करोड़ राशन दे रहे हम, तो 80 करोड़ से भारी नहीं निकले अभी तक इसके, मतलब 10 साल 80 करोड़, पहले 10 साल पहले राशन तो दिया है ना कम से कम मोदी जी ने। राशन मत दो, आप कुछ मत बांटो, आप लोगों को एजुकेशन फ्री दो, एजुकेशन फ्री दो, दे सकते हो लोगों को एजुकेशन फ्री दो, 8वीं क्लास तक एजुकेशन फ्री है, उसके बाद आपको अपना पैसा लगा के सब कुछ चीजें करनी होती है। 8वीं क्लास तक किसने बोला फ्री है? हाँ। किसने बोला? 8वीं क्लास तक किताबें मिलती हैं, यूनिफॉर्म के पैसे मिलते हैं, तमाम चीजें मिलती हैं, सब कहने में मिलती हैं। आज भी स्कूलों के अंदर हालत खराब है। हाँ। वो तो मैं बेचारे केजरीवाल जी हमारे सीएम दिल्ली के। हाँ। उनके स्कूलों की कंडीशन बहुत अच्छी है, वर्ल्ड में नाम आ रहा है। हुँ। और बाकी अदर स्टेटों में यूपी में इनकी सरकार है ना, यूपी के स्कूलों की हालत जाके देखिए आप, छतें टूटी पड़ी है, छतें, लोग लटक लटक के आते हैं, बच्चों को पैरों में चप्पल नहीं है, मतलब ऐसा विकास करवाओ मोदी जी, बताइए ऐसा विकास करो, हर गरीब खुश होगा ना, जब भी देश सुरक्षित बनेगा, जब भी खुशहाल बनेगा देश।
लेकिन लोग कह रहे हैं कि अगर राम मंदिर बन गया तो थोड़ा सह लेंगे, उन्होंने हमारे लिए राम मंदिर बनवाया, हमारे लिए प्राण प्रतिष्ठा करवाई है तो थोड़ा सह लेंगे। देखो राम मंदिर बना अच्छी बात है, आस्था है, हम सम्मान करते हैं, हम संविधान को मानने वालों को इसलिए सम्मान करते हैं, लेकिन राम मंदिर के आधार पर आप राजनीति ना करें। राजनीति करना तो धर्म से हटके करें, धर्म से हटके करें। आप रोजगार पर नाम वोट मांगो, आप एजुकेशन के नाम पर वोट मांगो, मांगो इन पे दामे तो मांग के दिखाओ, क्योंकि देते नहीं है। मांगेंगे किस बेस पे, मांगेंगे किस बेस पे, देते नहीं है ना। क्या दिया ना 10 साल के अंदर, झुमले 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 बाजी। अभी वहाँ अरे तो आप एक बार और मोदी को लाइए, जिताइए, सारे काम करके देंगे आपको। अब इन पे कैसे बिलीव कर लूं, मैं कैसे विश्वास कर लूं। भाई बहनों, मैं एक एक की गरीबी खत्म कर दूंगा। हमारी सरकार आता ही 100 दिन के अंदर गरीबी खत्म करेगी, महंगाई बेरोजगारी पे काम करेगी। हो रहा है कुछ बताइए, 1% काम हुआ तो 100 दिन में तो कांग्रेस सरकार भी नहीं खत्म कर पाएगी। बात है कांग्रेस या बीजेपी नहीं हो रही, अगर केंद्र में प्रेजेंटली टाइम ना कांग्रेस होती तो हम उससे भी सवाल जवाब करते हैं। हम अंबेडकरवादी हैं, अपना हक मांगना आता है हमें, मांगना आता है, याद रखिए नकम्मी सरकार। अगर उससे भी सवाल जवाब करते हैं, ऐसे ईवीएम की चिता जला के फूकने से आपको लगता है कि आपको हक मिल जाएगा और ईवीएम बंद हो जाएगा? देखो अंबेडकरवादी है, बाबा साहब का खून जिंदा हमारे अंदर, ठीक है, हम आके ना मिलता नहीं ना तो उसको छीनना भी अंदर, और आज का समय वो चल रहा है, हक मांगने से नहीं मिलता, लेना पड़ता है, छीनना पड़ता है। हम अपना आप छीन लोगों को उगर कर रहे हैं, इस चीज के लिए मजबूर कर रहे हैं कि लोग खुल के सामने और इस तरीके की चीजें करें। देखो बिल्कुल, अगर सरकार हमारे विरोध काम कर रही है, जनता के हित में विरोध काम सरकार कर रही है, जनता के हित में काम कर रही है, विरोध में नहीं कर रही है। बहन बेटी को मणिपुर में नगन अवस्था में घुमाया जाता है, निकम्मी डबल इंजन सरकार है ना, बताइए मेरे को है क्या नहीं, विकास नहीं दिख रहा है आपको, कोई विकास नहीं दिख, विकास के नाम पर विनाश होता जा रहा है। आज बहन बेटी पति की बाइती हो जिसको नगन अवस्था में घुमाया, देशों में रिश्ते इतने अच्छे हो गए जो पहले नहीं थे, अब देखिए ना कितने अच्छे रिश्ते हो गए। विदेशों के रिश्ते की तो बात में अभी आपने अच्छी पूछी, अभी कुछ दिन पहले G20 करा था इन्होंने, G20 करा था ना, वो कई मंत्री एक मिनिस्टर लोग आए थे, तो अभी एक कंट्री का कौन सा मिनिस्टर था वो, आई थिंक वो मिनिस्टर वहाँ जाकर कह रहा है क्या, मोदी जी हमसे 4000 करोड़ रुपए कर्जा मांग रहे हैं। अब बताइए ऐसे ढंग के पहुंचवा हुए 4 या 100 करोड़ रुपए खत्म करें ना अपने G20 में, उसका बेनिफिट बता दो मेरे को, 1% हुआ, किसी गरीब के सर पर छताई हो, किसी का बच्चा अमीर बना, नई नई बन गई है जगह जगह चीजें, आपको दिख रही होंगी, लगा बनाने विकास नहीं होता, लोगों को आत्मनिर्भर भी बनाओ, लोगों को एजुकेशन भी दो। आत्मनिर्भर बनने के लिए बोल तो रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, आप खुद से कुछ काम करिए। खुद से कुछ काम, आज देश के पता मैं खुद हूँ, मैं चांदनी चौक में काम करता हूँ बेल्ट का, एक पुलिस वाला आके मेरे से पता है क्या कहता है कि इसको खर्चा पानी दे, उसका कलेक्शन करना, देश को 3 लोगों ने बर्बाद करा, पहला हराम को नेता ने जो काम ही नहीं करते, दूसरा आप नेता को ऐसे बोल रहे हैं जो काम नहीं करते, हराम को जो अच्छे नेता हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, हराम को नेता ना, दूसरा 80% रिश्वतखोर पुलिस वालों ने, 20% अच्छे हैं वो भी बंदा मिल लोग, तीसरा दलाल जो कलेक्शन करने वाले रिश्वतखोरी वाले, इन लोगों ने 3 लोगों ने मिलकर देश को बर्बाद कर दिया। कौन 3 लोग हैं नाम बता दीजिए, पहला हराम को नेता, दूसरा 80% रिश्वतखोर पुलिस वाले, तीसरा दलाल जो कलेक्शन करते हैं रिश्वतखोरी करते हैं। अब बताइए देश ऐसा रोजगार करेगा, मैं चांदी चौक में मेरे को बेल्ट नहीं बेचने दिए जाते, मैं अपना काम करता हूँ, क्या मैं अफीम गाजा बेचता हूँ, क्या गलत काम करता हूँ, अपने पेटी तो पालू, अपनी बच्चों को नहीं पालू, बताइए रोजगार नहीं करूँ, नौकरी है नहीं तो क्या करें, काम तो करना पड़ेगा ना, पेट तो पालना पड़ेगा, क्या मर जाए बताइए। हाँ। आप बताइए क्या मर जाए, तो हम मर जाते हैं फिर। हाँ। आत्महत्या कर ले तो सरकार हमारे जिम्मे उठा ले। हाँ। बताइए। हाँ। तो फिर क्या लग रहा है अब, क्या आप चाह रहे हैं सरकार से, क्या करे सरकार? हम अब सरकार से कुछ नहीं चाह रहे, हम सरकार से इतना चाह रहे हैं आप इस्तीफा दो, निकल जाओ यहाँ से, बीजेपी सरकार को आउट कर देंगे। तो बीजेपी सरकार नहीं तो फिर कौन सी सरकार? कोई भी सरकार चलेगी, यू आर द पब्लिक सर्वेंट ऑफ द पीपल, आप जनता का नौकर हो, नौकर हिसाब से काम करो, मालिक बनने की कोशिश ना करे। सरकार कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, कोई भी हो, जो जनता के अंदर काम करे वो नेता परफेक्ट होता है, वो सरकार बेटर होती है। आप ही लोग पहले चुनते हैं भाजपा सरकार को, फिर उन्हीं के खिलाफ बोलते कि इस्तीफा दे दो, काम नहीं कर रही है। वो मैं बता दूं, देखो पहली बार क्या हमारी जनता कुछ अवेयरनेस नहीं थी, जागरूक नहीं थी, पहली बार इनको लाई, इनने बातें ऐसे ऐसे कर दिए थे जिसके वजह से कोई भी इनको मनमोहित हुए थे ये लोग, ठीक है। जनता तो एक बार विश्वास करती है, दो बार भी विश्वास कर लेती, चलो यार दो बार में सही करें, अब तीसरी बार कोई किसी को चांस नहीं देता, तो हम जे इनके तीसरी बार ये करें, हमें एक बार और मौका दो, हम तीसरी बार मौका देंगे ही नहीं इनको, याद रखें। इनका तीसरी बार भी लग रहा है कि आएगी मोदी सरकार, संभव ही नहीं है। मैंने कह दिया ना पहले भी और अभी बोल रहा हूँ, बैलेट पेपर से कराओ इलेक्शन, हमें कोई आपत्ति नहीं। अगर बैलेट पेपर से चुनाव करने के बाद भी भाजपा सरकार ही आ गई फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे, जीत गए ना बैलेट पेपर से कराने में, मैं अपनी गर्दन कटवा लूंगा, खुशी खुशी आत्महत्या कर लूंगा, याद रखें, गर्दन कटवा लूंगा, मेरी गर्दन काट जाना आके अगर बैलेट पेपर से जीत जाओ तो, याद रखें। निकम्मी सरकार अकेला नहीं, इसके पीछे कम से कम करोड़ों लोग खड़े हैं ऐसे, जो ईवीएम से चुनाव हुए और बाद में जाने की जीतती है बैलेट पेपर से भाजपा, तो हम सारे के सारे तुम कहोगे वहां अपनी जान दे देंगे, मगर बैलेट पेपर से नहीं जीतने देंगे उसको, मोदी नहीं जीतेगा बैलेट पेपर, जीतने की बस की नहीं इनकी, हम सब युवाओं की, जब तक ईवीएम से हटे जब तक ये जीतते आ रहे हैं। मोदी जनता के दिल में बसते हैं, मोदी जनता के दिल में नहीं बसते, मोदी दिल के बाहर बसते हैं।
अंबानी आडवाणी के दिलों में बसते हैं। किसके दिलों में बसते हैं? अंबानी आडवाणी। आज देश में तरक्की कौन कर रहा है? अंबानी आडवाणी बड़ी बड़ी फर्म कर रही है। गरीब तो बेचारे मर रहे हैं रोडों पर, भूखे नंगे सो रहे हैं। बताइए विकास है, रोजगार दे रहा है, बताइए। आज हमारे बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, नौकरी नहीं है, किसानों के पास आय नहीं है, किसान बेचारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहन बेटियां प्रोटेस्ट कर रही हैं, पहलवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ। तो ये क्या है? हाँ। क्या है मोदी जी, मैं पूछना चाहता हूँ आपकी निकम्मी सरकार से, क्या है ये? आप लोगों का आंदोलन जीवी घोषित कर दिया जाए? बिल्कुल कर दिया है हमें आंदोलन, देसी जीवी कुछ भी घोषित कर दो। हम अंबेडकरवादी बाबा साहब की औलाद है, संविधान से छेड़छाड़ करी तो निकम्मी सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। ये कहते हैं क्या विवेक देवराय 15 अगस्त भी इनका निकम्मी सरकार, इसलिए बोलना पड़ रहा है मुझे इनका विवेक देवराय ने 15 अगस्त को क्या बोला आपको पता ना? अभी 15 अगस्त को क्या बोला? क्या भारत का संविधान बदलना चाहिए 2047? मैं कह रहा हूँ भारत का संविधान नहीं, हम निकम्मी सरकार को बदल देंगे 24 याद रखे भाई। जो सरकार यानी कि संविधान के प्रति इस चीज़ को लेके चल रहा है, अगर हमारी जो कह रहा है कि भाई अब के बीजेपी सरकार आएगी संविधान बदल देंगे, तो वो बिल्कुल भूल जाएं इस चीज़ को लेके, नहीं बिल्कुल भूल जाएं, ईंट से ईंट बिलाड़ देंगे, ईंट से ईंट। इतनी पब्लिक निवास करती है हमारी संविधान के प्रति, तो ये पन्ना भी नहीं हटा सकते, बदलने की तो बहुत दूर की बात है, औकात नहीं है इनकी। जो हमारे संविधान को छेड़छाड़ में कर दें, ठीक है, और मैं उनको समझा देता हूँ, उन तानाशाही सरकार को बोल देता हूँ कि हमारे और हमारे सतपाल तोमर जी ने जो 20 तारीख से हमारा धरना चल रहा था ईवीएम हटाने का, इन्होंने अत्याचार इस तरीके से तानाशाही दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि 144 धारा लगी हुई है, कब तक रोकोगे? 10 को रोक दोगे, 20 को रोक दोगे, 50 को रोक दोगे? जिस दिन रेला निकालेंगे ना हम, तो रोड के रोड जाम मिलेंगे तुम्हें, देख लेना मैडम हम इस चीज़ को कह रहे हैं आपसे। तो लोगों में आक्रोश देखने को मिल ही रहा है, वो कह रहे हैं कि जन सैलाब निकालेंगे अब, लेकिन ये जो भाजपा सरकार है इसको हटा के रहेंगे और इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जो सरकार है सिर्फ और सिर्फ अंबानी और अडानी के विकास में लगी हुई है, जो गरीब लोग हैं उनके बारे में सोचती नहीं, उनके बारे में कुछ करती ही नहीं है। बाकी लोग इन्होंने चिता भी जलाई थी ईवीएम की और लगातार हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी, इसमें आपकी क्या राय, किस तरीके से 2024 के जो लोकसभा चुनाव है वो बेहद ही नजदीक हैं, तो इसमें आपकी क्या राय, क्या बैलेट पेपर से चुनाव होंगे या फिर से ईवीएम से चुनाव होकर भाजपा सरकार ही अपनी सत्ता पे बैठेगी? बाकी इस पूरी बातचीत और प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।